गजब, इधर माफी नहीं मिलने वाली आज भाइयों। हाय 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 गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सर की आशियाने में। जैसा कि आपको पता है, मैं अभी फ़िलहाल सऊदी अरबिया में हूं और अभी जो कि हमारा शहर है मजमा, और यहां के बारे में आपको दिखाता रहता हूं। फ़िलहाल आज मैं कहीं गया नहीं, आपको किसी शहर में किसी अच्छी जगह लेके जाता, लेकिन आज मैं हूँ अपने कैम्प में, जो आप कैमरे में देख पा रहे होंगे। और सोचा मैं आपको अपने कैम्प के साइड व्यू दिखाऊं। कैम्प तो अभी आपको मैं दिखाया नहीं हूँ, किसी दिन उसको अच्छे तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं अभी आया हूँ अपने कैम्प के बाहर, और सोचा मैं आपको कैम्प के बाहर का नज़ारा मैं कराऊँ। और ये आते वक्त मुझे एक साथी मिल गए, जो कि हमारे इस कंपनी के हमारे इस कैंप में रहते हैं। तो सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूं, जो कि हमारे बिहार से हैं। जाहिर सी बात है, बिहार के लोग मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो इनसे भी मेरी मुलाकात हुई, सोचा मैं आप लोगों से भी मुलाकात करा दूं। तो चलिए फिर इनसे पहले मुलाकात कराते हैं। ये हैं जाबिर अली, जो कि हमारे बिहार से ही हैं और गोपालगंज से है ना, गोपालगंज से हैं। और मैं हूँ दरभंगा से। और यहाँ पे गाइस, जो भी अपने एरिया के लोग मिलते हैं तो काफ़ी खुशी होता है। तो मैं सोचा अपनी खुशी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और ये भाई यहाँ पे मिल गए जब मैं आया यहाँ पे वीडियो बनाने की, आपको अपने कैंप के बारे में बताऊं और कैंप का साइड दिखाऊं। तो ये साइड मिल गए, यहीं पे मिल गए ये, तो मैं सोचा आप लोगों से भी इनको मिला दूँ। तो ये है जाबिर अली और ये है HVAC फील्ड से, और मैं हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड से। दोनों हमारा प्रोजेक्ट है, ये MEP प्रोजेक्ट है। इसमें 3-4 फील्ड के लोग मिल जाते हैं, जो कि आपको मेडिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, प्लम्बर हो गया, सिविल हो गया। तो ये 4 तरह फील्ड के लोग यहाँ पर मिलते हैं। तो इसी तरह ये HVAC के हैं, मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ। और जाबिर अली, और बताओ क्या हाल है? सब ठीक है, ठीक है। मज़ा आ रहा है सऊदी में? हाँ मज़ा आ रहा है। कितना दिन हो गया आए हुए? 7 महीना हो गया। 7 महीना हो गया तो भाई को 7 महीना हो गया, यानी कौन से डेट में आए थे? 30 अगस्त को। तो मैं भी आया था 13 अगस्त को, यानी कि 10 दिन पहले मैं आया यहाँ पे। तो ये है जाबिर अली, इनको भी साथ में लेके चल, और हम लोग कैंप के साइट का आप लोगों को व्यू करवाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अभी अभी ना गर्मी है ना ठंडी है, मौसम बहुत अच्छा है। नहीं, मौसम सुहाना है। तो गाइज, ये हमारे कैंप का साइट का एरिया, और यहाँ पे सब लोग घूमने आते हैं, साइड में लोग क्रिकेट भी खेलते हैं। तो उस साइड में आपको लेके चलूँगा। फिलहाल मैं अभी आपको साइड दिखाता हूँ, आपको दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और जाबिर अली, पहली बार आए ऐसे वीराने में, तो कैसा लग रहा था? यार पहले तो अच्छा नहीं लगा कि ये कहाँ जंगल में आ गए, जंगल में आकर फंस गए, लेकिन अब धीरे धीरे आदत ही हो गई है। गाइज, आप देख पा रहे होंगे हमारे कैमरे में, दूर दूर तक आपको एक ही पेड़ पौधा कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ बालू ही बालू है। और पूरा एक घर भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। इस बीच में हमारा कैंप है, जो कि कैंप इस साइड जो देख रहे हैं, इसी कैंप में हम लोग रहते हैं। मैं आपको किसी दिन पूरे कैंप का ब्लॉग बना के दिखाऊंगा। फ़िलहाल आज तो मैं साइट का दिखा रहा हूं व्यू, जो कि कैसे साइट में हम लोग रह रहे हैं। और ये है पूरा नज़ारा साइट का, आप देख पा रहे होंगे चारों साइड देख रहे, पूरा खुला हुआ माहौल है। और अभी बहुत ही अच्छे ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर ठंडी हवा चलती रहती है, और रेगुलर क्या, हमेशा कहे तो हमेशा हवा चलती ही है। और अभी फ़िलहाल मौसम बहुत अच्छा है, ना गर्मी है ना ठंडी है। लोग लास्ट बाउंड्री पे आ चुके हैं, और ये बाउंड्री से घेरा हुआ है, इसके बाहर नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी ऊंचा हाइट पे है। तो ये लास्ट, ये चारों साइड से इसी तरह बाउंड्री किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वीराने में, यानी यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है, इस बीच में ये कैंप बना हुआ है। और कई देश के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जैसे कि आप ले कह लें इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस और मिस्र के भी कुछ लोग हैं, यमन के भी हैं, यानी 8-10 कंट्री के लोग यहाँ पर हैं, और सभी लोग इस कैंप में रह रहे हैं। और नहीं भी तो करीब 1000-2000 लोग होंगे इस कैंप में, 2000 लोग होंगे, लगभग 2000 इस कैंप में हैं। और काफ़ी लोग हैं, काफ़ी सुकून से यहाँ पे ज़िंदगी सबकी कट रही है। सुबह उठना, अपने साइट पे जाना, फिर वापस खाना बनाना, खाना, सो जाना, यही सिलसिला लगा हुआ है। और जाबिर, और बताओ, ये देख रहे हो व्यू कैसा लगा फर्स्ट टाइम में? बहुत मज़ा आया था देख के? पहली बार तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन तो गाइस ये इनका फर्स्ट टाइम है, इसलिए इनको आदत नहीं थी ऐसे जगह पे आना, क्योंकि यहाँ आपको दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मैं ये, मेरा ये दूसरा टर्म है, तो मुझे पता है, क्योंकि रेगिस्तानी एरिया में ही प्रोजेक्ट बनता है, क्योंकि सिटी के बाहर, और सिटी के बाहर ही रहना होता है, तो आदत है मुझे। ये भाई पहली बार आए थे तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम हुई,
प्रॉब्लम हुई रेगिस्तान में रह के, तो मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ अभी फिलहाल, जहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि मैं भी क्रिकेट का शौकीन हूँ। और तुम भी क्रिकेट खेलते हो? खेलते हैं, कम खेलते हैं, निकाम खेलते हैं। तो गाइस अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है, आपको पता चल रहा होगा आवाज़ मेरी, हवा के कारण आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ क्रिकेट की तरफ, जो कि वहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, फ्राइडे का एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे को ही एक दिन टाइम मिलता है। तो हम चलते हैं, अभी सभी लोग तो नहीं आए हैं, कुछ लोग ही क्रिकेट खेलने आए हुए हैं, तो काफ़ी लोग क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट के मैदान में। और सबसे पहले खिलाड़ी ये सामने खड़े हुए हैं और हाथ में बैट लेके इंतज़ार कर रहे हैं, और बारी अभी नहीं आई है, इसके बाद आएगी। अपना नाम बता दो भाई। अनुज कुमार। कहाँ से? सिवान से, गोपालगंज सिवान, यानी आस पड़ोस के लोग मिल रहे हैं अभी यहाँ पे। तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ आपका? स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट हो गया है, तो गाइस क्रिकेट स्टार्ट हो चुका है, और अभी लोग सभी लोग नहीं आए और ये मैदान में सब क्रिकेट खेल रहे हैं। गाइस हम भी आ गए हैं, सोच रहे हैं हम भी खेलने, क्योंकि आज आदमी अभी कम नज़र आ रहे हैं, मौका मिलेगा कि उतरने का, क्योंकि जनरली मौका नहीं मिलता, क्योंकि बहुत लोग आ जाते हैं खेलने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल लोग नहीं हैं, तो चांसेस मिल सकता है बैटिंग करने का, तो देखते हैं अगर मौका मिला तो खेलेंगे, नहीं तो एक्चुअली बहुत दिन बाद खेलने से क्या होता है, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, और ये क्या है, रेगुलर खेलने से पेन नहीं होता, और ख़ासकर बॉलिंग करने से, क्योंकि एक दिन खेलने के बाद दो चार दिन तो पेन होता है, लेकिन देखते हैं मौका मिला तो खेलेंगे। हाय 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 गई गजब, इधर माफी नहीं मिलने वाली आज भाइयों। गॉट हो गया, गॉट डबल हो, डबल नहीं होता, ये नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। तो गाइज मैं वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि क्रिकेट में मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि आज लोग काफ़ी कम थे वहाँ पे, कम होने का रीज़न था क्योंकि आज फ्राइडे में साइट पे काम चला था, ओवर टाइम में, तो सभी लोग काम पे गए हुए थे, और शाम में 3:30 के करीब आए हैं, तो जाहिर सी बात आए हैं तो थके हुए हैं, सब लोग रूम में आराम कर रहे होंगे, इसलिए आज क्रिकेट में काफ़ी लोग कम थे, इसलिए मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं वापस अपने रूम में आ गया हूँ। और ये जो ये देख रहे हैं, ये साइड वाला, ये ही हमारा रूम है। तो गाइस आज के इस ब्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले ब्लॉग में मैं आपको पूरा अपना सा कैंप दिखाऊं, और आपको भी पसंद आएगा क्योंकि कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं साइट पे, और ये कंटेनर में कैसे लोग रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। तो इस ब्लॉग को बस इतना ही रखते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लोगों से यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू।